The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों कोरोना वायरस और कई सारी दवाइयों का एसोसिएशन देखा गया है, बातचीत चल रही है दुनिया भर में और कई सारे मिथ, कई सारी गलत धारणाएं, कई सारे सवाल, कई सारी थियरीज आपको सुनने में आएगी कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन है कि नहीं है, कोई एंटीडोट है कि नहीं है, बीपी की मेडिसिन जो हैं वो लेने, अगर आप लेते थे तो क्या आपको कोरोना वायरस के रिस्क बढ़ जाएगा, क्या शुगर वाले पेशेंट्स ने अपनी दवाई बंद कर देनी चाहिए, क्या बीपी वाले पेशेंट्स ने अपनी दवाई बंद कर देनी चाहिए, क्या दर्द की दवाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का कोरोना वायरस के कोर्स पे, कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है, बीमारी पे कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता, इन सारे बीमारियों के, इन सारी दवाइयों के, और क्या HIV की दवाई दी जाती है, क्या HCQS सारे इंसान को ले लेना चाहिए, HCQS यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन, क्या आइवरमेक्टिन इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या और कोई कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल वो काम करेगी, तो बहुत सारे दवाइयों के बारे में बातचीत है दुनिया के अंदर आज के डेट में। तो हम इन कुछ टॉपिक्स को आज हम क्लैरिफाई करेंगे, टच करेंगे। याद रखिए इसका सोर्स है हमारा डायरेक्ट CDC, CDC के साइट पे आप जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक की बात करें, कई सारे पेशेंट्स हैं जो COVID-19 के हैं, जो के दूसरे, एक सिर्फ COVID-19 नहीं, कॉन्करंट कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के साथ पाए जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर ना सिर्फ कोरोना वायरस है, उनके अंदर बैक्टीरिया भी है और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं। और ये एक एग्जांपल हुआ कम्युनिटी एक्वायर्ड पल्मोनरी बैक्टीरियल निमोनिया। ऐसे दो वायरसेस एक साथ जा सकते हैं, फ्लू वायरस और कोरोना वायरस एक साथ जा सकता है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसीलिए पेशेंट्स को कई बार हमें क्लिनिकल फीचर्स पे, उनकी हिस्ट्री पे, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पे, उनके पिक्चर क्या क्या आ रहा है, क्या पूरा पिक्चर आ रहा है कि ये हॉस्पिटल, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको हॉस्पिटल के अंदर निमोनिया हो जाता है दूसरे पेशेंट से, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक पेशेंट, सोचिए, सोच के देखो, अगर हम आपसे बोलें कि चलो आप बीमार हो, आप ऐसा करो दूसरा जो बीमार है उसके साथ रहो, तो आपको लगेगा ना यार इससे मेरे को तो नहीं हो जाएगा। एक अस्पताल में तो पेशेंट ही पेशेंट है, एक पेशेंट TB का, एक पेशेंट दूसरा, एक पेशेंट तीसरा इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का, एक कोई और, कितना भी उनको आइसोलेट कर लो, अस्पताल का इलाका तो एक ही है, तो इन्फेक्शन होने का कितनी भी ध्यान रख लो, इन्फेक्शन के चांस तो रहेंगे, आप इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं उस पॉसिबिलिटी को। इसीलिए कितनी भी क्लेंडलीनेस हो, अस्पताल में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और गवर्नमेंट अस्पताल में काफ़ी जो ओवरवर्क्ड अस्पताल है, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ क्लेंडलीनेस नहीं है, वहाँ तो होता ही होता है। इसीलिए पेशेंट्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स किसको देना है, कौन सी देनी है, किस सिचुएशन में देनी है, इसका डिसीजन आपका ट्रीटिंग डॉक्टर देता है। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको किस डॉक्टर के अंतर्गत ट्रीटमेंट चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। आपका ट्रीटिंग डॉक्टर को लगता है आपको इस बैक्टीरिया से, वायरस से रिस्क है, आपको इससे, इसका लग रहा है, तो वो आपको एंटीबायोटिक देगा। ये डिसीजन उसका है, किसी और का नहीं, पूरे दुनिया में। इसके साथ वहाँ के लोकल, ऑब्वियसली डिजीज सीवियरिटी देखी जाती है, लोकल एंटीमाइक्रोबियल ट्रेंड, लोकल बैक्टीरियल ट्रेंड, वो सब देखे जाते हैं। नंबर दो बात आई एंटीवायरल मेडिकेशन की। जी नहीं, अभी तक कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन अप्रूव्ड नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, ना तो HIV की दवाएं, ना ही इबोला की दवाएं, ना ही कोई और एंटीवायरल। चाइना ने अपनी खुद की एक एंटीवायरल फाविलाविर अप्रूव करी थी चाइना में इस्तेमाल करने के लिए, वो इंडिया में अप्रूव्ड नहीं है फिलहाल, लेकिन कई लोग, कई डॉक्टर अपने बेसिस पे दे रहे हैं, बिकॉज वो एक सेफर साइड है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट कम है। दूसरी तीसरी HIV की मेडिसिन नॉर्मली कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही इंडिया में, कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही है बाहर कई सारे देशों में। कुछ पेशेंट्स में जो बहुत सीरियस होते जाते हैं, उनमें जब कोई और चारा नहीं होता, तब सोचा जाता है कि ये इस्तेमाल करना है कि नहीं। ये डिसीजन भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर का है, उसको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा होगा या नहीं। हर पेशेंट को नहीं दी जाती। एंटीवायरल मेडिसिन की बात हो गई,
अब बात करें HCQS की, यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन, ये एंटी मलेरियल है। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी है हमारा, जिसमें हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ICMR का रिकमेंडेशन और पूरी चीज़ें समझाई है कि ये क्यों और किसको खाना है किसको नहीं। शॉर्ट में ये सिर्फ उन लोगों को जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं एक पॉजिटिव नोन पेशेंट के, आ चुके हैं या आते रहते हैं, आ चुके कौन, या तो आपके घर में किसी को पॉजिटिव आया है तब आपको दिया जाएगा, या फिर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ हैं जो रोज़ ऐसे पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं जिनको COVID-19 पॉजिटिव है, और तब कितना भी आप प्रिकॉशंस करें चांसेस हैं कि आपके अंदर वायरस जाएगा। इसीलिए ये HCQS हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक दवा है जिसके अपने रिस्क हैं उसको आपको दिया जाता है रिस्क बेनिफिट रेशियो देख के, ताकि आपके अंदर अगर वायरस जाए तो उसके मल्टीप्लिकेशन जो है स्पीड कम रहे और वो आप पे हावी ना हो पाए, आपको ज़्यादा बीमार ना कर पाए। बहरहाल इससे आपको फिर भी अपना सुरक्षा करना है, क्योंकि आप उस समय एक तरीके के सुपर स्प्रेडर बन सकते हो कि आपके अंदर वायरस है, आपके अंदर वायरस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, एक हफ्ता दो हफ्ता लगेगा वायरस को मरने में, वायरस के ऊपर विजय प्राप्त करने में, उस एक दो हफ्ते में आप वायरस फैला रहे हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को हमेशा अपने हाथ पैर धोना, जो 5 प्रिकॉशंस बताए हैं, दूर रहना, 1-2 मीटर दूर रहना किसी भी दूसरे इंसान से, अपना हाथ धोते रहना, अपने मुंह नाक को अपने आँखों को हाथ नहीं लगाना, और घर में अगर कुछ काम नहीं है तो घर में रहना या अपने हिसाब से ये हिसाब से रहना, ये ज़रूरी है। और इसके अलावा बाहर कहीं हो तो मास्क पहनना, ये ज़रूरी प्रिकॉशंस आपको भी लेना है चाहे आप ये दवा ले रहे हो नहीं ले रहे हो। इस दवा के कुछ लोगों में QRP QT प्रोलोंगेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको इसीलिए हार्ट रेट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इसीलिए ये डॉक्टर्स को दिए जाती हैं जो पता है जिनको हार्ट रेट मॉनिटर करना, या फिर ऐसे लोगों को दिया जाता है जो क्वारंटाइन किए गए हैं डॉक्टरों द्वारा, अस्पतालों द्वारा, कि ऐसी जगह हमारे अंडर हो, हम देखेंगे तुम्हारा हार्ट में कोई दिक्कत ना आए, मॉनिटर किया जाए, ये हिसाब। तो जनरल पब्लिक को ये दवाई नहीं लेनी है, फिर से बता रहा हूँ। तो HCQS की बात हो गई। आइवरमेक्टिन एक ऐसी दवा है जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक हैं, ऑल्दो आइवरमेक्टिन ने बिल्कुल 24-48 घंटे में वायरस का नामो निशान निकाल दिया, ख़त्म कर दिया था शरीर के बाहर की स्टडी में। शरीर के अंदर वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा अभी तक कोई स्टडी का रिजल्ट रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, आगे चल के अगर आता है तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल अभी इस पर कोई डेटा नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, खुद से एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। आइवरमेक्टिन के बहुत ज़्यादा गहरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लिवर पे भी, दिमाग पे भी, चक्कर भी आता है, डिजीनेस भी होता है, बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, खुद से नहीं लेना। उसके बाद बात करेंगे पेन किलर्स की। फिलहाल ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन या कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है वो COVID-19 की बीमारी को वर्स कर देती है, यानी बढ़ा देती है, बिल्कुल कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ना ही ये एविडेंस है कि आपके अंदर जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवा, आप अगर ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हो, आपको शुगर है या शुगर की दवा खा रहे हो, तो आपको बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा कोई मेजर रिसर्च स्टडी नहीं है, लेकिन बहरहाल समझिए इस बात को, क्यों इन तीनों को लिंक किया जा रहा है, एक थ्योरी है उसके पीछे, पेन किलर और बीपी की दवा और शुगर की बीमारी, शुगर की दवा नहीं, शुगर की बीमारी, ये तीन चीज़, प्लस शुगर की दवाई भी है कुछ प्रकार की, राइट, हर प्रकार की नहीं, कुछ प्रकार की शुगर की दवा, कुछ प्रकार की बीपी की दवाई, हर प्रकार की नहीं, उनसे क्या होता है, ठीक है, एस इनिबिटर, ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ये दो, ब्लड प्रेशर की दवा और थायोडिडोनिडोन्स आपके जो शुगर की दवा है वो, इनसे क्या होता है कि इनसे आपके शरीर में एक रिसेप्टर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का रिसेप्टर ACE2, ये ACE2 रिसेप्टर्स के नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ ACE2 रिसेप्टर्स के नंबर बढ़ाती हैं ऐसा देखा गया है। अब इशू क्या है इसमें, आपके अंदर जब ये वायरस जाता है तो ये ACE2 रिसेप्टर को ही लिंक करके अंदर घुसता है, वो ये दरवाज़ा है, ACE2 रिसेप्टर दरवाज़ा है, तो जितने ज़्यादा दरवाजे होंगे उस चांसेस हैं कि जब आपके अंदर वायरस जाएगा उतने जल्दी अंदर घुस जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर घुसने के बाद वो बीमारी बहुत तेज कर देगा, ऐसे चांस है
कि 10 वायरस अंदर घुसने थे तो हो सकता है 20 घुस जाए, हो सकता है 100 घुस जाए, आपके अंदर गए तो उतना ही है। बाहर से अंदर जाने के बाद की बात हो रही है, मुंह के अंदर गए उसके बाद रिसेप्टर अंदर लंग्स में है आपके, यहाँ है, आपका काम है मुंह के अंदर ही नहीं जाने देना, आपका काम है नाक के अंदर ही नहीं जाने देना, तो प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका रिस्क उतना ही है जितना दूसरे के साथ है, अगर आपके अंदर गया तो आपको बीमारी थोड़ी डेंजरस हो सकती है, थोड़ी सिवियर हो सकती है, अगर आप पेन किलर लेते रहे हो रेगुलरली, अगर आप बीपी की दवा लेते रहे हो, अगर आपको शुगर है तो, बहरहाल आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, कोई भी दूसरी क्रोनिक बीमारी है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है कि बीमारी होने के बाद आपके जो बीमारी सिवियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप दैट क्लियर्स ऑल द डाउट्स। इन सारी कई सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, कोविड 19 कोरोना वायरस के बेसिस पे पूरा प्लेलिस्ट है, 70-80 वीडियोस हैं उसके ऊपर, हर एंगल से कवर किया हुआ है, ज़रूर जाके देखिए, आपके पसंदीदा टॉपिक के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।